अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सपर्ट ट्यूटर। और आज की इस क्लास में हम ये जो पेन टूल है, प्री ट्रांसपेरेंट पेन टूल है, एड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये सीखेंगे। तो मैं पेन टूल से शुरू करता हूँ। ये पेन टूल बहुत पावरफुल टूल है, इससे आप किसी भी टाइप का इमेज को ट्रेस कर सकते हो, इसको ड्रा कर सकते हो। ये सर्कल सेलेक्शन में बहुत यूजफुल है। अगर मैं एक लीफ बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक करूँगी, सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगी, इस तरह ये काम करता है। फिर मैं यहाँ पर आकर ऑल्ट प्रेस रखूँगा तो मैं अगेन ये करो नहीं लेना चाहता, तो मैं सिंपली यहाँ पर ऑल्ट प्रेस रखूँ, यहाँ क्लिक करूँगा तो करा चला गया। अब मैं यहाँ सिंपली जॉइन करता हूँ, फिर ड्रैग करता हूँ तो ये लीफ हमारे साथ आ गया। अब मैं राइट क्लिक करके मेक सेलेक्शन ओके करते हैं और फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी से सेलेक्शन बनाते हैं। फिर इसको कोई कौन जिस तरह कलर आप चाहे दे सकते हैं। तो मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ और तो इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो आपके साथ लीफ आ गया। तो ये पेन टूल बहुत यूज़फुल है, तो मैं आपका इसका एक डेमो दिखाता हूँ। पहले आपने क्लिक करना है, अगर आपके साथ ये रिबन नहीं आ रहा है तो यहाँ से आता है। अगर रबर बैंड नहीं आ रहा है तो आप देख रहे कि अब नहीं आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अब आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये नहीं चेक होता, आपने यहाँ से सिर्फ सेटिंग आइकन अगर चेक करना है। अब एक क्लिक कर दिया, अब दूसरा क्लिक करना है तो इस तरह आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अब मैं कैंसिल या डिलीट से दोबारा जा सकते हैं। अब मैंने करो लाना है, यानी जो करो टाइप है स्ट्रेट लाइन ही लाना, करो लाने है तो एक क्लिक करें। जब दूसरा पॉइंट लेते हो आप तो क्लिक को छोड़ना ही ड्रैग करना है, जिस तरह करो आपने लेना है वो आप ले सकते हैं इस तरह। अब अगेन अगर आपने करो नहीं स्ट्रेट लाइन लाना है तो आपने सिंपली इस पॉइंट पर आकर ऑल्ट प्रेस रख के और क्लिक करें तो ये आपके साथ लाइन आ जाएगा। इस तरह आप किसी तरह भी शेप बना सकते हो। अब आप ये शेप आपके साथ आ गया। अब आप इसका सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप सिंपली मेक सिलेक्शन पर जाए और ओके, स्पीड जीरो ही रख के और ओके करो तो ये सिलेक्शन मोड में आ जाए। फिर आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबाए, इस तरह आपका एक कॉपी बन जाएगा। आप जिसको जिस तरह भी कलर देना चाहें आप कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया होगा। सिंपली क्लिक करें और फिर दूसरी जगह ड्रैग करें। फिर अगेन यहाँ अगर लीफ का शेप देखें, यहाँ हार्ड प्रेशर का यहाँ क्लिक करें, अब दोबारा जॉइन करें और ड्रैग करें तो आपके साथ लीफ का शेप आ गया। मैं डिलीट करता हूँ। अभी अगर पॉइंट्स की तरफ आते हैं, मैं एक सिंपल शेप ड्रा करता हूँ। इस तरह मैंने शेप ड्रा कर लिया। अब मुझे मज़ीद इसमें पॉइंट ऐड करने हैं तो आप सिंपली इस पेन टूल ये जो प्लस है और माइनस है, इससे किसी पॉइंट को डील कर सकते हो, इससे किसी पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको सेट करें और सिंपली पेन टूल पर जाए तो आप यहाँ पर आए थे खुद बहुत माइनस हो रहा है, मतलब ये इस पॉइंट को डिलीट करें। अगर मुझे यहाँ पॉइंट ऐड करना है तो ये करो पर खुद पॉइंट ऐड कर रहा है, डिलीट खुद कर रहा है। इस तरह अगर ये मैंने डिलीट करना है पॉइंट जो ऑलरेडी है उसको ये डिलीट करेगा अगर आप उस पर आएंगे। और अगर आप इस पाथ पर किसी भी जगह पॉइंट करें क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट्स ऐड करते रहेंगे। इस तरह आप देख रहे हैं। अब अगर आपने इसको मूव करना है तो आप इस सेलेक्ट डायरेक्ट सेलेक्शन टूल से इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ इस पॉइंट पर क्लिक करें, इसको इस तरह मूव करें। सिंपली आप इस पॉइंट पर भी क्लिक करें, इसको इस तरह मूव करें, इस पर भी क्लिक करें, इस तरह मूव करें। ये डायरेक्ट सेलेक्शन टूल इसके लिए यूज़ होता है। फिर मैं इसको आगे ट्यूटोरियल में बताऊँगा। तो ये हो गया पेन टूल। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये जो प्री ट्रांसफॉर्म पेन टूल है, यानी प्री फॉर्म पेन टूल, तो ये सिंपली आपने क्लिक को छोड़ना नहीं, अगर प्री फॉर्म सिलेक्शन करनी इस तरह पे करता है। अब आपने राइट क्लिक मेक सिलेक्शन और ओके करना और कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है। तो इसमें मसला है कि ये लास्ट पॉइंट को जॉइन करते हैं। अगर मैं कलर और ले कोई भी कलर दे दूँ तो पॉइंट जॉइन कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो हमें इसका नहीं चाहिए। तो आपने अगर राउंड शेप चाहिए तो आपने फिर ब्रश स्ट्रोक या पेंसिल से ही आपने काम लेना। यहाँ मेक सिलेक्शन में आपने स्ट्रोक पा लेनी है, इसको स्ट्रोक देगा ब्रश सेलेक्ट करके। ब्रश आएगा पेंसिल लेकर तो थोड़ा बारीक लाइन आएगा, ब्रश स्ट्रोक सेलेक्ट तो मोटा लाइन आएगा। ओके करता हूँ तो आप सिलेक्शन देख लें, ये ब्रश टाइप हो गया और आप सिलेक्शन को डिलीट कर देते आपके साथ आ गया। इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो इस एक कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है, मैं पेन टूल से शेप को ड्रा करता हूँ, पेन टूल लेता हूँ, शेप को ड्रा करता हूँ, इस तरह की शेप को मैं जॉइन हो गया। अब ये जो कन्वर्ट पॉइंट टूल है ये लाइन को करो में चेंज करता है, मतलब राउंड करता है और करो को लाइन में। अब मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ तो अब एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसको करो में चेंज करना है तो अब यहाँ पर आए क्लिक को छोड़ना नहीं ड्रैग करना है तो आप करो बन गया। अब सिंपली मैं इसको दोबारा लाइन में कॉर्नर में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली कॉर्नर क्लिक करिए, कॉर्नर में ये अब कॉर्नर है,
है कोना बन गया, अब इसको कर्व में तब्दील करना है तो इस पर सिंपली क्लिक और ड्रैग करें, इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ये भी आपके साथ सिंपली आप इसे इस तरह कर सकते हैं और इसमें भी। तो ये था बेसिकली पेन टूल के बारे में, सुमेर है, आपको ये जो पेन टूल के बेसिक्स है वो समझ आए होंगे। और ये जो बाकी टूल है, एड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ये सही सिंपली आप यहाँ पर हाँ कर भी प्लस कर सकते हैं आप सिंपली, और इस तरह इस पर आकर आप इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये आप मत चूज़ करें, आप पेन टूल ले लें, आपसे जो ड्रा करना है वो भी ड्रा कर लें, अगर कोई पॉइंट डिलीट करना है सिंपली वहाँ पर आए, इस तरह ये खुद पॉइंट इस दोनों टूल को चेंज होता है, एड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल। सो उम्मीद है आपको ये टूल पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।